असलकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने सेल सेलवाल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था तो आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तो जिस तरह हमने सेल सेलवाल के बारे में कहा था कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है लेकिन फ़र्क यह है कि सेल मेम्ब्रेन भी आउटर मोस्ट बाउंड्री है लेकिन फ़र्क यह है कि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन एनिमल सेल में यानी अगर ये बाहर की लेयर है तो ये एनिमल के सेल में है और इसके साथ साथ एंड इन प्लांट्स इट्स बीनीत सेलवाल यानी प्लांट के सेल में ये क्या है सेलवाल से नीचे है और क्या है और एनिमल में जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सेल है यह दूसरा सेल है ये एनिमल सेल है हमारे पास एनिमल सेल और यह हमारे पास क्या है प्लांट की सेल है तो यह हमारे पास क्या इसके न्यूक्लियस है तो अगर हम देखें इसको तो हम सेल मेंब्रेन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और इसके साथ साथ इसको भी हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको भी सेल मेम्ब्रेन लेकिन फ़र्क यह है कि ये जो प्लांट की सेल है इसमें एक और सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर भी होता है जिसको हम सेलवाल कहते हैं यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं सेलवाल तो जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल बिल्कुल आउटर मोस्ट बाउंड्री है यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड इन प्लांट इट इज़ सेल सेलवाल और प्लांट के सेल में सेलवाल के बिनीत है उसके बाद आ रही है उसके नीचे है तो ये uh, थोड़ा बहुत uh, सलमब्रेन के बारे में अभी सेलमब्रेन के जो uh, सेलमब्रेन की जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा इसकी जो कंपोजिशन है यहाँ पे मैंने लिखा है ये तीन तीन चीजों से बनी होती है प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स इन तीनों ने सेल मेम्ब्रेन को बनाया है प्रोटीन की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो 60 टू एटी परसेंट है और इसके साथ साथ लिपिड्स की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट है यानी बीस टू चालीस परसेंट इन दी फॉर्म ऑफ पासपोलिफिड एंड कोलेस्ट्रोल यानी जो लिपिड्स है हमारे पास वो पासपोलिपिड और कोलेस्ट्रोल की किस्म में मौजूद है उसकी फॉर्म में मौजूद है हमारे पास इसके साथ साथ अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो उसकी स्मॉल अमाउंट है तकरीबन टू टू टेन परसेंट इसकी कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर है तो ये हुआ सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अभी हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है किस तरह है दो किस्म बहुत सारे मॉडल पेश हुए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में लेकिन आ, जो दो मॉडल है हमारे पास एक को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन और दूसरे को हम आ, प्लुएड मुजेक मॉडल कहते हैं सबसे पहले हम थोड़ा बहुत यूनिट मेंब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिट मेंब्रेन के बारे में क्या कहा सेल मेंब्रेन के बारे में यूनिट मेम्ब्रेन में क्या कहा था क्या है यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेंबरेन के लिहाज से सेल मेम्ब्रेन के उसके लिहाज से तकरीबन इसमें अंदर क्या है थ्री मेम्ब्रेन है थ्री मेंब्रेन यानी इसके लिहाज से इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है तीन पर्दे हैं मजीद किस तरह है आ, ये हमारे पास एक लेयर है यह हमारे पास ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास दूसरी लेयर है ये लेयर भी प्रोटीन से बनी होती है ये लेयर भी प्रोटीन से बनी है और दरमियान में एक थर्ड लेयर भी है और जिसको यहां पे एक थर्ड लेयर भी है यहां पे जो लिपिड से बनी होती हैं लिपिड से बनी है तो ये यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में यह कहा था कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट किया गया कि नहीं ये बात गलत है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और ट्रो है हमारे पास वो है हमारे पास क्या फ्लोइड म्यूजिक मॉडल है हमारे पास इसकी कंपोजिशन भी मैं मिठा रहा हूँ यहाँ पे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है हमारे पास क्या है फ्लुड फ्लूड मोजेक मॉडल फ्लूड मोजेक मॉडल है हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है फ्लूड मोजेक मॉडल को ओ, सिंगर और जो निकोलसन थे दो साइंटिस्ट थे इन्होंने उन्नीस में इसको पेश किया था तो सबसे पहले प्लोइड मोजेक इसकी मतलब क्या है प्लोइड की मतलब है कि इसके मालिक्यूल की जो नेचर है वो क्या वो अराउंड करती हैं हरकत करती हैं एक जगह से दूसरी जगह मोजेक की मतलब यह है कि इसके इसके अंदर जो प्रोटीन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के तो वो इरेगुलर इन शेप उसमें मौजूद होती है उसकी कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होती लेकिन uh, मुझे इसको भी कहते हैं कि एक प्रॉपर एक खूबसूरत तरीके से वहाँ पे एम्बेड है जो प्रोटीन है इरेगुलर इन शेप लेकिन एक खूबसूरत तरीके से वहाँ पे एम्बेड है तो इसमें यह कहा गया था प्लेट uh, प्लुड मुजेक मॉडल के मेम्बर मॉडल के लिहाज से कि इसके अंदर क्या है थ्री मेम्बर है जिस तरह हमने पहले पढ़ा था उसी तरह यहाँ में इसमें भी कहा गया था कि इसके अंदर क्या है थ्री मेम्ब्रेन है यानी इसके अंदर मजीद थ्री लेयर है हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये एक लेयर है और इसके साथ साथ यह हमारे पास क्या है दूसरा लेयर है तो ये लेयर लिपिड से बनी होती है लिपिड्स और इसके साथ साथ ये भी लिपिड से बनी होती है इसके साथ साथ एक थर्ड लेयर भी है यहां पे जिस जो प्रोटीन से बनी होती है इसको लिपिड बाई लेयर भी इसको कहते हैं क्या लिपिड बाई लेयर लिपिड बाई लेयर भी कहते हैं इसमें यह कहा गया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल क्या है जो हमारे पास सैंडविच है ज़ाहरी बात है आजकल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाकई ही एक सैंडविच एक बर्गर की तरह है बिल्कुल उसी तरह शिकायत दो लेयर जो है वो लिपिड के हैं और दरमियान में जो है वो क्या है प्रोटीन के हैं अभी लिपिड तो हमारे पास बहुत है लेकिन जो सेल मम्ब्रेन जिस लिपिड से बनी होती है उसको हम पासपो लिपिड कहते हैं अभी हम पास लिपिड की स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो सेल में किस तरह अरेंज है उन्होंने सेल को किस तरह बनाया है अब अगर यहां पे मैं सेल मेंब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करो यहां पे एक छोटा सा समझने के लिए ये क्या है हमारे पास एक लेयर है हमारे पास एक एक लेयर है लिपिड का एक लेयर है इसके साथ साथ एक दूसरा लेयर भी है लिपिड बाय लेयर, यह हमारे पास क्या है एक्सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पे जो हमारे पास पास लिपिड मलिक्यूल है वो कुछ इस तरह अरेंज है इस तरह ये सारा और आल इस तरह है लेकिन आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा तो ये तो एक साइड से और दूसरे साइड से भी कुछ इस तरह अरेंज है इस तरह अरेंज है क्यों इस तरह अरेंज है यहां पे अगर हम देखें यहां पे भी एक्वस है वाटर है एक्वस और बाहर की साइड पे भी क्या है एक है। अगर हम ये जो पासपो लिपिड मलिक्यूल गया, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो हेड है वो हाइड्रोपेलिक है यानि यहाँ पे पासपेट ग्रुप है पासपेट हेड पासपेट ग्रुप ओपुलर है तो ये जो हाइड्रोफिलिक है जो हेड है ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा इफिनिटी रखता है लो रखता है उसकी चाहत पानी के साथ बहुत ज़्यादा है इसके अलावा जो इसकी ठेल है यह एसिड से बनी होती है इसके ठेल फिटी एसिड इसमें मौजूद होती है यह हाइड्रोफोबिक है यह वाटर हीटिंग है यह वाटर के साथ कोई लगाव नहीं रखता तो यह फास्पो लिपिड का जो मालिक्यूल है लिपिड बज़त खुद ऑयल में सालोबल है और वाटर में इंसालोबल है लेकिन फासपो लिपिड की एक स्पेशलिटी यह है कि वो वाटर के साथ भी लगाव रखता है और ऑयल के साथ भी लगाव रखता है तो इन्होंने अपने आप को ये पासपोलिक पे ने एक कमाल के तरीके से अपने आप को अरेंज किया है जो उसका हेड है उनको वाटर के साइड पे किया है क्योंकि वाटर के साथ भी कनेक्शन रहना चाहिए और इसके साथ साथ जो अंदर की साइड पे यहाँ पे भी एक्वस है उन्होंने वाटर की तरफ अपने हेड जो टेल है यानी उसके टेल फेस टू फेस है और हेड जो है वो अपोजिट है यहाँ पे जो एरिया हमारे पास ये क्या है लिफो फेलिक है ये सारा एरिया तो इन्होंने अगर इसने इस तरह ना किया होता तो वाटर जो है सेल जो है वो वाटर में फिर सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता तो इसलिए पास पोलिपिड के मालिक्यूल कुछ इस तरह खूबसूरत तरीके से अरेंज है और सेल मेमब्रेन को इस तरह इन्होंने अरेंज किया है बनाया है इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास प्रोटीन मौजूद होते हैं दो किस्म के हमारे पास प्रोटीन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Uh, एक uh, को हम कहते हैं एक्सट्रेंजिक uh, एक्सट्रेंजिक और दूसरे को हम कहते हैं इसको हम सरपेस प्रोटीन भी कहते हैं सरपेस सरपेस प्रोटीन सरपेस प्रोटीन भी कहते हैं और दूसरे जो हमारे पास है वो क्या है वो है एंट्रेंसिक प्रोटीन एंट्रेंसिक प्रोटीन इंट्रेंजिक प्रोटीन दो किस्म के प्रोटीन है हमारे पास जो हमारे पास एक्सट्रेंज या सरपेस प्रोटीन है वो बिल्कुल ही सरपेस के साथ अटैच होती है यहां पे, यहां पे पी से मतलब प्रोटीन ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है एक्सट्रेंजिक या सरपेस प्रोटीन जो दूसरे है हमारे पास जिसको हम एंट्रेंसिक प्रोटीन कहते हैं वो कुछ इस तरह अरेंज है या तो ये फुली एम्बेडेड है इसके अंदर जो हमारे पास एंट्रेंसिक प्रोटीन है या ये पार्शली एम्बेडिड है यह हमारे पास क्या हो है? ये हमारे पास एंट्रेंसिक प्रोटीन है एंट्रेंसिक प्रोटीन या तो क्या है या पार्शली एम्बेडिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर या कंप्लीटली जो है वो एम्बेडिड है इन प्रोटीन का एक ख़ास रोल है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन में उसमें पढ़ेंगे इसकी ख़ास रोल है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन में अब इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात है वो बाकी है क्योंकि लोग अक्सर यूज़ करते हैं ग्लाइको लिफिड ग्लाइको प्रोटीन अगर यहाँ पे मैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म लिको सी एच ओ मतलब ये कार्बोहाइड्रेट अगर ये कार्बोहाइड्रेट ये जो हमारे पास आ, प्रोटीन है सरफेस प्रोटीन आ, इसके साथ अटैच होती है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको फिर हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन का नाम देंगे ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन अगर यही कार्बोहाइड्रेट क्या जो पास पासपोलिफिड मालिक्यूल है इनके साथ अटैच होती है यहां पे, तो फिर हम उसको दूसरा नाम देंगे क्या कहेंगे उसको फिर हम उसको हम फिर ग्लाइको ग्लाइकोलिपिड का नाम देंगे अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होती है तो ग्लाइको प्रोटीन अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच होती हैं तो फिर उसको हम क्या कहेंगे ग्लाइको लिपिड्स तो ये हुआ और आल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन इसकी फंक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आपको आई होप कि इसका समझ आपको आया होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी जो फंक्शन है वो बाकी हो मैं पढ़ाऊँगा आपको फिर हाजिर हूँगा खुश रहें मुस्कुराते रहें दूसरों को भी खुश रखें अल्लाह हाफिज़